नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संस्था के मेडिकल विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक आर मेहता को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेडिकल प्रोफेशन में वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया ने किया प्रदान। गुरुग्राम स्थित LIC के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विषय पर वर्कशॉप। बीके उर्मिल ने लीडरशिप क्वालिटी जगाने की सिखाई टेक्निक। राजस्थान के भीनमाल में ब्रह्मकुमारीज और ग्लोबल नेत्र अस्पताल आबू रोड के संयुक्त तत्वाधान में लगा 121वां नेत्र चिकित्सा जांच शिविर। और मॉस्को सेंटर पर न्यू ईयर का ग्रैंड सेलिब्रेशन, रूसी बने फेरी टेल के हीरोज। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। एसीकॉन 2021 द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के 81वें वार्षिक उत्सव पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत के कई नामचीन डॉक्टर शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान ASI के पूर्व प्रेसिडेंट BK डॉक्टर अशोक आर मेहता को ASI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ASI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित डॉक्टर अशोक आर मेहता ने न केवल प्रोफेशनल स्किल के माध्यम से बल्कि अपनी उदारता से मानवता की सेवा में जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई बीमारियों पर रिसर्च की, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी शामिल है। चिकित्सा सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप माउंट आबू में 102 बेड का अस्पताल, आबू में ट्रॉमा सेंटर और आई हॉस्पिटल का निर्माण किया और ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में मेडिकल प्रभाग की होने वाली प्रत्येक नेशनल एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बखूबी अंजाम दिया और समय समय पर संस्थान की गतिविधियों की उत्सुकता पूर्वक जानकारी लेते हुए अपने मूल्यवान सुझाव दिए। ऐसे ही लोगों के लिए सूरत और पोरबंदर में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। मुंबई के बांद्रा में स्थित लीलावती अस्पताल को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नानावती अस्पताल में सर्जिकल ऑनकोलॉजी विभाग की पहल की। एक लंबे और शानदार करियर में डॉक्टर मेहता को एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया में अहम योगदान एवं मेडिकल प्रोफेशन में वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए ASI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सभी डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करते हुए उनके अहम योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान ASI के प्रेसिडेंट डॉक्टर अभय दलवी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जी सिद्देश समेत कई प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल रहे। LIC के गुरुग्राम स्थित जोनल ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारियों के लिए सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी BK उर्मिल मुख्य वक्ता रही। उन्होंने कर्मचारियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया और कई कारगर युक्तियां भी बताई। राजस्थान के भीलमाल सेवा केंद्र एवं ग्लोबल नेत्र अस्पताल आबू रोड के संयुक्त तत्वाधान में 121वां विशाल नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के कई मरीजों का चेकअप किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने 10 वर्षों से संस्था के द्वारा हो रहे मोतियाबिंद के हजारों ऑपरेशंस की जानकारी दी। इस शिविर में मौजूद अतिथियों ने संस्था के द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। विद्यार्थी वह जिसके अंदर सीखने की अभिलाषा है, अपनों से बड़ों का सम्मान करने से जीवन की राहें आसान हो जाती है, ये विचार रखे इंदौर के राजयुग शिक्षक BK नारायण ने। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए स्पिरिचुअल सेशन रखा गया। विवेक, विवेक मिलता है अपनी आंतरिक पढ़ाई पढ़ने से, जिसमें स्कूली बच्चों ने जाने जीवन में नैतिक मूल्य का क्या महत्व है। आध्यात्मिक शिक्षा से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है, यही सफलता का मूल मंत्र दिया BK प्रिया ने। वो चेतना, वो ऊर्जा, वो शक्ति कहाँ पर रहती है? हमारे बॉडी के अंदर, मस्तिष्क में, जहाँ पर हम सभी
टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते, तिलक लगाते और पूरे बॉडी का जो नियंत्रण है आत्मा वही रह के करती है। मध्य प्रदेश रीवा के झीरिया सेवा केंद्र में नव वर्ष स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, समाज सेवी अविराज चैथवानी, हाजी AK खान समेत कई विशिष्ट पदाधिकारी मौजूद रहे। रीवा को नशा मुक्त और स्वच्छ बनाने हेतु कार्यक्रम में अतिथियों ने सामूहिक रूप से दृढ़ प्रतिज्ञा एवं संकल्प किए। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने नए साल की शुभकामनाएं देने हेतु सभी को नशा मुक्त रीवा बनाने की प्रेरणा दी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ के लिए एक सेशन रखा गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति पहुंची, जहां उन्होंने क्लीन इंडिया क्लीन हॉस्पिटल पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर हॉस्पिटल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराधा शर्मा समेत मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र ने 78वीं साप्ताहिक ई कॉन्फ्रेंस की। इसका विषय रहा आशा और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय नौसेना के कमांडर शिव सिंह, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा ने अपने विचार रखे और सभी को जीवन को एक नए अंदाज से जीने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान एवं तनाव मुक्त जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK रेखा ने स्वयं को खुश रखने के लिए मेडिटेशन को जरूरी बताया एवं परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने की बात कही। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ BJP नेता मुकेश टंडन एवं कई सम्मानित फौजी भाई उपस्थित रहे, जहां सभी को सम्मानित किया गया। आज के डिजिटल युग में खेती भी आधुनिक होती जा रही है, इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र नए नए कृषि यंत्रों का प्रदर्शन खेतों पर कर रहा है, जिसमें ड्रोन जैसे तकनीक से कम समय तथा कम लागत में किसान कैसे ज्यादा उत्पादन ले सके, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश के शाजापुर में फसलों में छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें शाजापुर सेवा केंद्र प्रभारी BK पूनम, BK चंदा समेत किसान भाई उपस्थित रहे। यहाँ मौजूदा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR अम्बावतिया ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे शाश्वत योगी खेती की चर्चा करते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया। अब कुछ खबरें एक नजर में। नेपाल के वीरगंज सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन, नए साल का भी किया गया सेलिब्रेशन। BK बेला, BK गोकुल ने केक कटिंग कर सभी को नए साल की दी बधाई। जीवन को सदा ही उमंग उत्साह के साथ जीने के लिए किया प्रेरित। ऐसा ही कार्यक्रम भुवनेश्वर के अलारपुर सेवा केंद्र द्वारा भी किया गया आयोजित। BK तपस्विनी, BK अंजलि समेत कई किसान भाई बहनों ने किया कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ। इस मौके पर ग्राम झिंटी के किसानों एवं उनके परिवार को किया सम्मानित। अंत में जैविक खेती और परमात्मा की याद में बने भोजन को किया स्वीकार। फरीदाबाद के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर समाधान युक्त पत्रकारिता उन्नत भारत विषय पर संगोष्ठी। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सुरेश वर्मा, यूनिवार्ता के डिप्टी एडिटर मनोहर सिंह, संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK सुशांत, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु रही उपस्थित। वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौती एवं दायित्वों पर हुई चर्चा। ऐसे फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन। पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोरा, GST डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर जयराम मीना और मर्चेंट नेवी कैप्टन प्रतीक मल्होत्रा भी हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रीति ने किया स्वागत। संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। मध्य प्रदेश के डिंडोरी सेवा केंद्र से जुड़े दिव्यांग जैन इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के पश्चात पहुंचे सेवा केंद्र। सेवा केंद्र प्रभारी BK संगीता ने किया स्वागत। दिव्यांश ने सुनाए अपने प्रेरणादायी अनुभव, कहा आर्मी ट्रेनिंग में बहुत काम आई ब्रह्म कुमारी इसकी शिक्षाएं। मन और तन का संतुलन बनाने में कारगर रहा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। बेंगलुरु के संजय नगर सेवा केंद्र पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। डॉक्टर एवं BK सदस्यों की उपस्थिति में मनाया नया साल। BK सोनी ने बताया कैसा हो हमारा हर दिन। वाराणसी में मैमूरगंज BK पाठशाला द्वारा राहगीरों को बांटे ईश्वरीय संदेश के पैम्पलेट और सर्दी से बचने के लिए ओम शांति वाली कैप। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मॉस्को सेंटर पर न्यू ईयर का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ।
जिसमें रशिया के बी के सदस्य फेमस द लिविंग फेरी टेल के पात्र बने। कोई बना सिंड्रेला तो कोई बना पिनोकियो। रंग बिरंगी चमकीली ड्रेस में रूसी बेहद सुंदर एवं आकर्षक लग रहे थे। इस सुंदर अवसर पर कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर पर पहुंचे और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। इस दौरान इंटरैक्टिव टास्क में बच्चों एवं पेरेंट्स ने उमंग उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, जहां मॉस्को की निदेशिका बी के सुधा ने खेल खेल में जिंदगी को खुलकर जीने के कई कारगर उपाय बताए। और बच्चों के लिए मैजिक शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। अंत में बच्चों ने अपने फेरी टेल के फेमस कैरेक्टर्स के साथ फोटो सेशन भी किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सबरंग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।